अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करता हूँ। खास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात है। This cannot be tolerated. There are number of reasons. सही और देश के अधिकार के संदेश से भाजपा अपने हताश, निराश, आतुर कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। बाई रिमूविंग वक्फ बाई यूजर दिस गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू टेक ओवर दरगाह मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज सर। जहां एक ओर संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश करने की बारी, तो दूसरी ओर विपक्ष का विरोध भारी। सपा कांग्रेस से लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के प्रतिनिधि भी इस बिल पर सवाल उठा रहे हैं, कतई नामंजूर बता रहे हैं, मोदी सरकार को चेता रहे हैं। देखिए क्यों एतराज है विपक्ष समेत मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को। Sir, before election, there was an attempt in the country. ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का हो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें ला के इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें मत कीजिए। इस मुल्क को मुत्तहिद रखिए। पूरे सदन के हैं, इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। वही इस बिल के विरोध में अखिलेश यादव सदन में तमतमा उठे, तो वहीं ओवैसी ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा देने वाला बता करके सदन में जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए नेता विपक्ष। से अपनी बात को जोड़ता हूं, ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ हो रहा है ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं बॉडीज हैं उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं। और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय मैं जस्टिस दैट वन मे नॉट बी अ जज इन देयर ओन कॉज सेक्शन 61 इफ डीएम सेज टू मतवल्ली मेक दिस मस्जिद एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिजॉर्ट लिसंस पनिशेबल ऑफेंस This is again separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final.
if collector has been replaced by tribunal, and who's going to look in, sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our okay. दरगाह मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज सर टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ 107 यू हैव मेड इट मोर डिफिकल्ट to be removed. Encroachment happened. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is sir khatam kar government bol rahi hai sir main khatam kar raha hu sir aadha minute government keh rahe hai ki hum mahilaon ko de rahe hain mujhe yakeen hai ki aap Bilqis Bano ko aur Zakia Jafri ko member banayenge mujhe yakeen hai main aap se janna chah raha hu sir ke ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं आप दुश्मन हैं मुसलमानों के उसका सबूत ये बिल है।